It's 4 a.m. right now, and we are starting for another one-nighter ride. What's the traffic now, Williams? नीलकंठ स्टार करनाल यार, यहाँ तो आए हुए हैं, लग रहा है सीरियसली यही रुकना है, तो बहुत जल्दी रुक गए यार। सो आफ्टर वन आवर ब्रेक वी आर अगेन स्टार्टिंग बैक, एक्चुअली जस्ट डन अबाउट 160 किलोमीटर एंड वन आवर ब्रेक। ये दिस हैपन्स इन अ लॉन्ग ग्रुप राइड, इन अ बिग ग्रुप राइड आई शुड से। बिगर ब्रेक्स तमाशे तो करने को कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं टाइम वेस्ट करने के, एंड पता भी नहीं लगा एक घंटा हो गया। So now we are wearing the 98 degree Fahrenheit cooling vest. Although it's recommended to soak the vest in a bucket full of water, we used a hack of drenching it in water in a sink, as you saw, and immediately I can feel the difference. The moisture that the cooling vest is storing when the air is passing through it is not feeling warm at all. It's like a pretty cool breeze that is hitting my chest area and the upper body. So working fine so far. The true test will be when we ride with this cooling vest on at around 11, 12 or 1 p.m. मैं कह रहा हूँ मुझे पता चल गया हवा की आवाज़ क्यों है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रखा हुआ है जहाँ से हवा आती है भाई। बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी, बहुत कम। हाँ आ रही है, मरी हुई सी आ रही है आवाज़ बिल्कुल। अब उसको मुंह पे चिपका लो, नींद आ रही है यार बहुत ज़्यादा। हाँ एकदम दिमाग खराब हुआ पड़ा नींद से। नींद आ रही है क्या? बातें करो बातें। यार शर्म आनी चाहिए, अम्बाला तक तो पहुंच जाए यार, बहुत ज्यादा हो गया है। बिना अम्बाला पहुंचे हुए फल खत्म हो जाएंगे हम उससे पहले ही। फिर एक मिनट रुक के पानी पिए क्या? मेरे पास तो बॉटल नहीं है, वाटर वाटर नहीं है मेरे पास। तू किस चीज पे? ये क्या बकचोदी की प्रिपरेशन है तेरी? 1 kg लाइटर विदाउट वाटर। इसी शॉप पे रुक जाएंगे, वहाँ तो वो कर लेना पानी पी लेना, मैं बॉटल ले लूँगा। भाई अगर अभी भी नींद आ रही है रात को चलते रात को ही। रात को जल्दी सो जाओ एकदम बढ़िया, 8:30 बजे आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया रास्ता है। लग गए वाओ तुम्हारे भाई, मेन रास्ते को क्या हो गया यार? एक ही हाईवे सही था वो भी खराब हो गया साला। वाओ वाओ मैन, वाओ ब्यूटीफुल वेदर, जस्ट 15 डिग्री सेल्सियस एंड वी आर इन स्कॉटलैंड। ये शाहबाज शाहबाज के चक्कर में नींद खुल गई हमारी। उससे पहले तो ऐसे झोंके आ रहे थे मौत के झोंके। ये नींद विजाली बड़ी हरामी होती है पता, अपने आप अपने एंड से अपना ध्यान बढ़ाने की कोशिश करो बढ़ता ही नहीं है जब तक ऐसे नेचुरली ना बटे। कम ऑन ये पे कितने किलोमीटर दिखा रही डेस्टिनेशन? 190 एंड की चलो 100 किलोमीटर तो जल्दी करो यार, थोड़े कम ऑन ये पे कम ऑन। अच्छा फोन सुखा रहे हो? अच्छा 37 ऐसे ही है? ओ ये लेट्स गो,
आराम आराम चलाओ, आराम आराम से, नींद खुल चुकी है। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी जो निकला है वो खराब वाला स्ट्रेस था कि अभी कुछ आना है? और बस वही था। ओ माय गॉड, आई थिंक आई शुड पुट दिस इन अ क्रूज ऑफ अबाउट 95। 96 इज फाइन, जस्ट लेट इट गो। So here we are, I am riding the Tiger 900 Rally Pro and you see Vishwas on his Super Meteor 650. There is Abhinav Bhatt riding his Himalayan 450 with the cross spoke wheels, the lightest Himalayan that he has come up with, about 165 kgs. And then you have Mr. Lul, Mr. Yudhvir on his stock Himalayan 450, which has a bigger sprocket. Yeah, so four of us riding towards Kufri today. It's blistering hot in Delhi NCR and the whole of North India, in fact. And right now the temperature is 35 degrees and it's just 8:45 a.m. So we are expecting 45 degrees. Yeah. ये इट वॉज अ माइल्ड कट यार। विश्वास कैसे उड़ता हुआ जा रहा है यार? ये जो पता नहीं कौन से कट मार रहा है यार बंदा, इसको हल्का सा प्रोवोक कर दो ना तो ये फुद्दू से कट मारता है ये बंदा। ओ ये राम नाल पाजी पासा पलट गया रोड की इस तरह। ये इसकी बंदी ऐसे उल्टी उल्टा मुकर के कैसे पड़ी हुई है, बिल्कुल लास्ट जैसे चिपटी होती है। हाँ विक्रम और बेताल की तरह, मतलब उसने कह दिया कि भाई तेरे हवाले है मेरी जान, जैसे मर्जी चला, मैं चिपक गई। यार ये कैसा कट्टा है यार। हाईवे स्टार ढाबा आ गया भाई, ये अचानक से वन वे टू वे रॉन्ग साइड पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार इस रोड पे। चलो वापस सही साइड पे। अभिनव बट चेजिंग द R15। भागो। मेरी बाइक पैरों से नहीं गर्म हो रही। मेरी? हाँ। यार ऐसे पता नहीं, चलते हुए नहीं पता लगता मुझे, ऐसा हल्का फुल्का सा हीट होगी यार, पर जूते पुते पहने कुछ पता नहीं लग रहा, इतना तो आदत है। नथिंग टू वरी अबाउट एक्चुअली, नॉर्मल। फाइनली द रॉक हैज कम बैक टू हिमालयन टोल प्लाजा। आ गए पहाड़ की शुरुआत। हेलो, मैं कह रहा हूँ 9:30 बजे पहुँच गए यार हम टोल प्लाजा पे। सही है, इसमें एक घंटे का ब्रेक काट लो। अरे ये रुक है मिस्टर लूल, बहुत ही बढ़िया, सही रहा वैसे ये रास्ता, रास्ता बढ़िया रहा ये। 9:30 बजे पहुँच गए हम और 7:30 बजे हम वहाँ से निकले हैं, उसके बाद धीरे भी हुए हैं, थोड़ा स्लीपी भी हुए हैं, तो 2 घंटे में हम वी आर हेयर। खोए भी थे बट फिर भी 2 आवर्स इज गुड इनफ। थैंक्स फॉर द ग्रेट नेविगेशन। यार मैं उतारने लगता हूँ, आप कहते चलो फिर। मैं मुझे तो हो चुके हैं पानी, मेरे भी तो चलो चलते। चलो चल, तूने पानी पी लिया? अगर पानी पी लिया तो मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ी रहा है। 37 हो गया इस समय, 37। अब बढ़ा के कम करते हैं, अब तो ऊपर चढ़ जाते कम होगा। थोड़ा अभी निकल लेंगे ना ट्रैफिक का। वो डोमिनर वाले भाई को बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है इसको आपकी बाइक की, आपकी बाइक का पेट्रोल क्यों नहीं खत्म हो रहा? 70 किलोमीटर की रेंज,
चार बजे निकले थे घर से, 9:30 बजे हमने एक हिट कर दिया यहाँ पे 5.5 घंटे में, उसमें 1 घंटे का ब्रेक, 27.8 टाइम, तो 4.5 घंटे, 4.5 घंटे ठीक है। इवन आफ्टर मतलब फाइंडिंग वे इन बिटवीन ये वो थोड़ा, ये रोड अच्छी है ना, यार ये रूट अच्छा है, इसको लेना चाहिए। इसमें आप उस पे चला रहे हो, आई थिंक इस रूट पे कन्वेंशनली भी कम ट्रैफिक होगा नॉर्मल टाइम पे भी। हम आते हुए भी यहीं से नारकंडा से जब आए थे। हाँ ओके भाई, 40 डिग्री हो गया टेम्परेचर, बिल्कुल हो गया। ये 20-20 मिनट की बकचोदियाँ होंगी तो टेम्परेचर 42 भी हो जाएगा यहीं। तेरी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, अब आ रही है। पहला कर्व आया भाई सुबह से मरवाने के बाद उसने। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। You come for, huh? 4 hours of riding in the blistering heat of North India, and at 10 a.m. we hit the mountains, going up the ascent to Shimla, and the temperature has started to fall a little bit. It was 38 degrees Celsius, 38.5 just 10 minutes back. Now it's 36. So moving in the right direction, rewarding us for all the hard work that we have done since morning with a 3 a.m. wake up, 4 a.m. start, and hitting the Himalayan Expressway at 9:30 a.m. Dominar wala wo piche ruk gaya kahin. Dominar ka humne kya karna hai? Wohi friend wohi to tha jo niche mila tha Himalayan Expressway pe. Wo kon tha? क्या बात कर रहे हो, मैंने तो हक से बोल दिया था फोटो के लिए बहन, तभी तो अच्छा, तभी आप लोग कह रहे थे कोई तमीज नहीं है। और क्या? अच्छा आई थॉट वो उसका फ्रेंड है, मैं बोल रहा था फोटो खींच दे भाई, तुमने वो ओखा सा भी हो गया लेने। अच्छा ओ शिट ओ शिट, और क्या तुम सोचो कोई खड़ा है तू गया फोटो खींच दे फोटो खींच दे यार, और ये भी नहीं कि उसके पास जाके बोल रहा, उसको दूर से बुला रहे हैं भाई, मुझे लगा विश्वास का फ्रेंड है यार, मुझे क्या लगा। अच्छा आप भी बैठे हो, मैं तो सोच रहा हूँ यार थोड़ा सा वो पेट खराब की दवाई ले लूं यार, केमिस्ट दिख रहे हैं ना, तो टट्टी आ चुकी है। ये लेफ्ट पे केमिस्ट है, लेफ्ट पे केमिस्ट है, देख लिया था पर मेरे को लगा आगे चल के करेंगे। क्रेटा का हॉर्न भी तो था मेरी मुंड पे, मेन्यू थी वो भाई, भाई इस कॉर्नर में क्या चलती है पूरी लेट जाती, सारी बाइकें ऐसे चलती हैं, हिमालयन की बात नहीं है वो, ये तो वन वे ही है ना। उसी टाइगर हो गई है। सो अब ये ब्रेक लिया था गाइस, अब इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना।
सो फाइनली वी एंटर शिमला 12:34 PM 12:40 एंड 4 AM स्टार्ट सो 8 hours 40 minutes अ लॉट ऑफ स्लगिशनेस इन बिटवीन जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट दैट वॉज देयर बट आई थिंक ओके ओके फॉर अ संडे स्पिन इन पीक हीट ऑफ दिल्ली NCR सो फ्रॉम हेयर कुफरी इज अबाउट 35 odd kilometers शुड टेक अनदर आर और सो सही तो है रोड क्या दिक्कत ट्रक ने हमारा बना दिया गया है आगे से राइट को घूमना है सिर्फ नीचे हाँ वही सही एक ही रोड है बेसिकली सही जा रहे हैं यार हम कोई दिक्कत नहीं है अभी बिल्कुल सही जगह पहुंचेंगे परफेक्ट प्ले ग्राउंड ओहो हो वाओ अब कहाँ है ऊपर नीचे अब इसमें नीचे जाना है ऊपर जाना है लाइक यू सॉ वी रीच्ड एट अराउंड 3 PM एंड दिस इज द प्लेस दैट वी आर स्टेइंग दिस इज अ रिजॉर्ट और अ कैंपिंग साइट दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन अराउंड 15-16 पीपल हेयर सो इट्स इवनिंग टाइम तो गाना बजाना है एंड ऑल सीन चल रहा है यहाँ पे खाने पीने का बट अ गुड रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ दिल्ली NCR A few moments later. So that is it for today. After that evening session with music and all the folks who rode together today, it was a time that we spent talking about motorcycles and life in general. And dinner karne ke baad, just wrapping up the day today. It's almost 11:30 PM right now. So plan thoda change ho chuka hai. Abhinav will have to leave early today alone. He has some work. Although it's a Sunday, some official commitment has come up. सो ऐसा भी होता है राइड पे आई मीन यू गाइस सी ऑल दोज वीडियोज एंड थिंक कि हम लोग सिर्फ बाइक चलाते हैं भाई नौकरियां भी हैं हमारी सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ही विल बी राइडिंग अलोन टुमारो अराउंड 6 or 7 AM स्टार्ट दैट्स व्हाट ही इज टारगेटिंग एंड युधवीर विश्वास एंड मी विल स्टार्ट से अराउंड नून विल स्पेंड द टाइम इन द मॉर्निंग रिलैक्सिंग लेटिंग आवर बॉडी रिकवर एंड देन विल स्टार्ट सो दैट इज इट दैट्स हाउ वी स्पेंड द डे टू डे आई विल सी यू टुमारो बाय बाय